और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अफसर इमाम का नेरुल रेलवे स्टेशन पर धरना, नेरुल CST नई लोकल चलाने की मांग, दिया ज्ञापन। रेलवे प्रशासन हमारी मांगे हमारी मांगे प्रशासन। NCP महासचिव और प्रवक्ता अफसर इमाम ने महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ मंगलवार को नेरुल रेलवे स्टेशन पर धरना प्रदर्शन किया और नेरुल से CST के बीच नई लोकल चलाने की मांग की। NCP नेता अफसर इमाम ने कहा कि 15 वर्षों से वे लगातार नेरुल CST लोकल की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन 4 लाख नेरुलकरों की इस मांग को पूरा करने को तैयार नहीं है और इसीलिए आंदोलन करना पड़ रहा है। फिलहाल रेलवे अधिकारियों ने आंदोलन को देखते हुए सकारात्मक निर्णय का भरोसा दिलाया हुआ है। हालांकि अफसर इमाम ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो 30 दिनों के बाद रेल रोको आंदोलन करेंगे। ये पिछले 15 साल से हम लोग निवेदन देते आ रहे हैं कि नेरुल जो है नई मुंबई का सबसे बड़ा नोड है और सबसे बड़ी जनसंख्या नेरुल की है और रेलवे जो है यहाँ से ना छूट करके दूसरी जगह से छूट रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को हमेशा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अब सीनियर सिटीज़न और महिला बच्चे गिरने का भी प्रकार घटा है। ये सब बातों को देखते हुए हम लोगों ने पिछले 15 साल से रेलवे प्रशासन से नेरुल से CST लोकल रेलवे चालू करने का मांग करते आ रहा था, लेकिन 15 साल में उन्होंने अभी तक हमारी बात को माना नहीं। तो इसके साथ साथ हमने उनको बताया है कि नेरुल से आपको उल्वा की ओर जो ट्रेन जा रही है 1-1 घंटे में जा रही है, आप उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए, उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर डिमांड किया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या है, नेरुल का जो यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है ये 6 प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के भी हम लोग डिमांड किया है। रेलवे के अधिकारी और बड़े ऑफिसर ने हमसे मिल करके हमको रिक्वेस्ट किया हम लोगों को कि आप आंदोलन ना करें, कि मैं आपका कुछ रास्ता निकालता हूँ। अगर इन लोगों ने हमारी बात को नहीं माना तो हम लोग 30 दिन तक का मुद्दत दिया है, 30 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर रेलवे रोकने का काम करेंगे। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी के NCP के नई मुंबई प्रभारी प्रशांत पाटिल, GS पाटिल तथा कांग्रेस नेता निजाम अली शेख समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। प्रशांत पाटिल ने अफसर इमाम की मांग पर जोर देते हुए रेलवे अधिकारियों से तत्काल निर्णय लेने का आह्वान किया। गेले 15 वर्ष सातत्याने अफसरबाई इमाम या ठिकाणी नेरुल ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पर्यंत रेल्वे सुरू व्हावी ही सातत्याने मागणी करत आहेत। या संदर्भामध्ये कमीत कमी 10,000 लोकांचं सह्यांचं निवेदनसुद्धा रेल्वे प्रशासनाला या ठिकाणी देण्यात आलेलं आहे, परंतु आज 15 वर्ष आंदोलन करूनसुद्धा या ठिकाणी नेरुल ते छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वे सुरू होत नाही। खरं म्हणजे या ठिकाणी प्रवाशांचे यामुळे फार हाल होत आहेत। बेलापूरवरून सुटणारी रेल्वे डायरेक्ट छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसपर्यंत जाते आणि नेरुळमध्ये लोकांना प्रवाशांना बसण्यासाठी सुद्धा जागा नसते। आज नेरुळची लोकसंख्या सर्वात मोठं नोड आहे आणि नेरुळची लोकसंख्या 4 ते 5 लाखाच्या घरामध्ये आहे आणि इथून रेल्वे सुरू होणं ही खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे आणि यासाठी आज या ठिकाणी धरणं आंदोलन केलेलं आहे आणि रेल्वे प्रशासन याबाबतीत पॉझिटिव्हली विचार करण्याचं त्यांनी मांडलेलं आहे। ब्युरो रिपोर्ट TV1 इंडिया।